हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स 24th of November 2019 के। हम चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज पर, इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट न्यूज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ओके कर दिया फॉर द सेल ऑफ नेवल गन्स जिनकी टोटल वैल्यू होगी $1 बिलियन। ये किसको मिलेगी? ये मिलेगी इंडिया को। इससे क्या होगा, इंडिया जो अरेबियन सी है वहां पर एक अच्छा कंट्रोल बना पाएगा। तो जो अप्रूवल है इसमें 13 नेवल गन्स आएंगी और उसकी टोटल वर्थ होगी $1 बिलियन। ये बताया डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी DSCA ने कि जो पूरा जो गन्स होंगे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी हमारी कंट्री की नेवी के लिए। जो अप्रूवल है, ये अप्रूवल कब आया, एक ऐसे टाइम पे आया जब रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस के विजिट पे गए थे, उसके कुछ ही दिनों के बाद ये अप्रूवल आ गया। जो यहाँ पर गन्स की बात हो रही है उनका नाम है MK-45 गन्स। यहाँ पे हम इनका मॉडल देख सकते हैं MK-45। इनको मैन्युफैक्चर करता है BAE सिस्टम्स जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। नेक्स्ट न्यूज पे हम चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ये एक इंडेक्स की न्यूज है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019। तो जो टेररिज्म इंडेक्स है इसमें बताया है कि जो इंडिया उसमें जो टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज जिससे हमारी कंट्री को जो भी लॉसेज हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं एज कम्पेयर टू 2017-2018 में हमारा स्कोर था 7.5 टू 2017 में था 7.57। सबसे लो पॉइंट पे हम लोग कब थे, 2010 में, जो सबसे जो हाई पॉइंट था वो था 2010 में, और सबसे लो पॉइंट की बात करें वो था 2004 में। ठीक है, जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है ये मेजर करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट आपकी कंट्री पे क्या पड़ते हैं टेररिज्म के। बहुत सारे फर्क पड़ते हैं कंट्री के, अगर कंट्री में टेररिज्म की प्रॉब्लम है तो वही ये चीज बताने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज, थर्ड न्यूज को हम डिस्कस करते हैं। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी फर्स्ट एवर वुमेन पायलट बनेंगे हमारी कंट्री की इंडियन नेवी के लिए। आपको पता है नेवी की भी एक स्पेशल फ्लाइंग ब्रांच होती है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट्स, बहुत सारे सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को यूनिट को कंट्रोल करते हैं। तो लेफ्टिनेंट शिवांगी ज्वाइन करेंगे फर्स्ट फीमेल पायलट ऑन December 2, 2019 में ज्वाइन करेंगे और ये फ्लाई करेंगे फिक्स विंग डॉर्नियर सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और ये काम करेंगे कोची में। तो इनको जो डिप्लॉय किया जाएगा कोची में। लेफ्टिनेंट शिवांगी वैसे बिलोंग करते हैं मुजफ्फरपुर जो कि आपको मिलेगा बिहार स्टेट में। नेक्स्ट चीज, फोर्थ न्यूज, कैबिनेट ने अप्रूव किए MOU बिटवीन इंडिया एंड फिनलैंड। जो इसका काम क्या होगा, दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन बढ़ाना ताकि जो फील्ड ऑफ टूरिज्म में वहां को फायदा मिले। तो MOU बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड, उनके बीच में MOU है। इस MOU को साइन किया था प्रहलाद सिंह पटेल ने इंडियन साइड से। यहाँ पर आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। फिनलैंड जो कि आपको कंट्री मिलेगी नॉर्दर्न यूरोप नेशन, तो ये बॉर्डर करती है स्वीडन नॉर्वे रशिया को। इसकी कैपिटल है हेलसिंकी और ये जो करेंसी यूज करते हैं उसका नाम है यूरो, ये यूरो यूज करते हैं। अगली चीज, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बन चुकी है। आपको पता है महाराष्ट्र में कुछ टाइम से प्रेजिडेंट रूल चला था, इलेक्शंस के बाद कोई भी वहां पर पॉलिटिकल पार्टी अपनी मेजोरिटी नहीं दिखा पाई। तो फाइनली महाराष्ट्र में सीएम और डिप्टी सीएम ने वहां पर ओथ ले लिया, तो देवेंद्र फडणवीस फिर से वहां के सीएम बने हैं। और डिप्टी सीएम की बात करें तो एनसीपी को बिलोंग करने वाले अजीत पवार वहां के डिप्टी सीएम बने। आप एक पिक्चर भी देख सकते हैं। बीजेपी ने क्लेम किया कि उन्होंने सपोर्ट, उनको सपोर्ट मिला एनसीपी से और वहां पर सरकार ने, और बीजेपी यहां क्लेम है कि वो एक बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट बनाएंगे, पर पहले उनको विधानसभा में अपनी मेजोरिटी यहां पर प्रूफ करनी पड़ेगी। तो जब दोनों लीडर्स ने वहां पर ओथ ली उससे पहले महाराष्ट्र में प्रेजिडेंट रूल को खत्म कर दिया गया। अगली चीज, सिक्स न्यूज को हम डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि दमन एंड दीव यूटी को और दादर नगर हवेली यूटी को, इन दोनों को मर्ज कर दे ताकि वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां पर कंट्रोल है वो और अच्छा हो सके। तो जो मूव है, ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये कुछ ही दिनों के बाद आया, कुछ ही मंथ्स के बाद आया जब जम्मू कश्मीर को दो यूटीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, जिससे हमारे कंट्री में टोटल यूटीज का नंबर पहुंच गया 9। दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव जो कि आपको गुजरात के पास मिलेंगे, इनके लिए एक स्पेशल बिल आएगा मर्जर बिल 2019 और हो सकता है पार्लियामेंट में अगले वीक तक ये प्रेजेंट भी हो जाए। ऑफिशियल्स ने बोला कि ये मर्जर के बाद बहुत ही इजी होगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको दोनों यूटीज को मैनेज करना। अगली चीज, सेवेंथ न्यूज, लास्ट न्यूज, थ्री इंडियन सिटीज, बेंगलुरु जो आपको मिलेगा कर्नाटका में, दिल्ली हमारी कंट्री कैपिटल, मुंबई महाराष्ट्र में, इनको रखा गया है ग्लोबल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी इंडेक्स में। तो टोटल 133 सिटीज में से तीन इंडियन सिटीज आई है, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई। जो ये लिस्ट है इसमें काफी सारी चीजों के बेसिस पे लिस्ट को बनाया गया, कैसे इन सिटीज में इकोनॉमी, बिजनेस, मार्केट, बहुत सारी चीजों के बेसिस पे इनको बनाया गया। तो ये वो सिटीज है जहां इंडिया की मेजर इकोनॉमी, मेजर मार्केट्स बैठती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप ये आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, इसमें हमने काफी सारी चीजों को डिस्कस किया। मैं इसी वीडियो को रोज बनाता हूँ, कोशिश करें रेगुलरली इस वीडियो को देखने की, आपकी काफी हेल्प करेगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें। For now, thank you for watching this video and have a successful day.